सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा ले ली हूँ और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कटोरी रवा, मतलब कि सूजी। मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं, ये मेरे पास मोटा वाला है। और इसको भी इसी में डाल देना है आटे में। और उसी के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कटोरी सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी घी, देसी घी है ये, और इसको मैं अभी इस तरह से मिला दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से अभी मोयन मिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा इसमें घी कम है तो मैं थोड़ा सा घी और ले ली हूँ 1 चम्मच के लगभग। और अब इसको इस तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए अच्छे से ये बन रहा है आटा। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी, ये खड़ा चीनी है, पीसा हुआ नहीं है, तो इसको मैं ले ली हूँ 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ले ली हूँ। और इसको इसमें डाल दूँगी। और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से लीजिएगा। और चीनी को इस तरह से पहले मैं इकट्ठा मिला लूँगी सभी आटे में। और ये देखिए चीनी मिक्स हो गया है और आटे को मैं 2 भाग में बांट दे रही हूँ। मैं इसको इसलिए कर रही हूँ कि अगर एक साथ आप आटा गूंथेंगे, मतलब मिक्स करेंगे पानी डाल के, तो ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, तो मुझे ऐसा। पानी डाली हूँ, बहुत मुझे गीला नहीं होने देना है, हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको मिक्स करना है और इसको सिर्फ इसी तरह से मिक्स करना है जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आटा, जैसे आप गूंथते हैं उस तरह से मिक्स नहीं करना है। और ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लूंगी और इस तरह से गोला बना लूंगी। और मैं अब बिना सांचे का अब मैं आपको डिजाइन बनाना बता रही हूँ। पहले मैं इस तरह से गोला गोला करके रख दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगी डिजाइन। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले ली हूँ और चम्मच को इस तरह से दबा करके डिजाइन बना लेना है। और ये देखिए एक डिजाइन बन गया है, मैं आपको और डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए एक डिजाइन ये बन गया। और एक ये बन गया।
ये सभी को मैं बना के रख ली हूँ। और मैं यहाँ पे घी पहले से रख दी थी गरम होने के लिए। ये तेल नहीं है, ये घी है, और घी में अच्छा लगता है ज़्यादा। अगर आपके पास घी नहीं है या तो घी नहीं पसंद है तो आप तेल में इसको फ्राई कर सकते हैं। और ये मीडियम आंच पे मैं रख दी थी गरम होने के लिए। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा आटा भी डाल दी हूँ, तो ये अच्छी तरह से हो गया है घी गरम। और अब इसको मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। और हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम आंच पे ही इसको फ्राई कर लेना है। और जब ये एक तरफ हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसमें कलछी डालना है, उसके पहले नहीं। और ये देखिए, एक तरफ ये हो चुका है, तो अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। और इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है, और इसको मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ। और इसको फ्राई करते वक्त ये थोड़ा सा जो चीनी खड़ा मैं डाली हूँ, तो उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से चीनी निकलता है। तो जब भी आप दूसरा डालेंगे उसके पहले ये घी को आप इस तरह से साफ कर लीजिए, मतलब कि ये कलछी से ही आप धीरे धीरे करके इस तरह से निकाल लीजिए। नहीं तो जब भी आप इसको दूसरा डालेंगे ना, तो ये चिपकेगा, तो फिर कड़वा आएगा खाने में। और ये देखिए, ठेकुआ बन के तैयार हो गया। Thank you.